नमस्कार हो गए हैं, जिनकी दर्दर स्थिति के कारण से पूरे भारत में अभी तक 27 लड़के जान दे चुकी है, जिसके जिम्मेवार सिर्फ और केंद्र सरकार के ऊपर जाता है, केंद्र सरकार के ऊपर जाता है। क्योंकि जो स्किल इंडिया मेक इन इंडिया का माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दे रखा है, उसके तहत में हम लोग आज भी बेरोजगार है। बेरोजगारी के दंश इतना गहरा हो गया है कि छात्र अपना जान देने पे मजबूर हो चुके हैं, और हमारे मीडिया के माध्यम से खबर माननीय प्रधानमंत्री को देना चाहते हैं कि अगर जो सही समय हमारे मुद्दे पे विचार नहीं करती है, अगर जो युवा बनकर का खून गरम है, इसमें किसी तरह का अप्रिय घटना घटती है और युवा कोई भी गलत कदम उठाता है, तो उसका जवाब दे सिर्फ रेल प्रशासन और माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे। क्योंकि हम लोग लगातार 4 वर्षों से शांतिपूर्वक आंदोलन करते हुए आए हैं, लेकिन यह भारत में ऐसा प्रधानमंत्री शांति आंदोलन करने वाले का कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर जो शांति आंदोलन का मतलब है, समय रहते हमारी बातों को सुन ले, नहीं तो हमारा युवा का खून गरम है। अगर जो ठोस कदम रहते हैं, अपनी सफल पर नहीं लेते हैं, किसी रास्ता से भटक करके कुछ उग्र प्रदर्शन होता है, उसका जिम्मेवार सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्रालय होंगे। हमने अभी तक 4 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ शांति के प्रतीक गांधीवादी के शिकार और गांधीवादी के तरह चलने का काम किया है, और हमारा भारत में अब हमें लगता है वह टाइम आ गया है कि अपनी खून को भगत सिंह का रोल अपनाना पड़ेगा। अगर जो हमारी युवा शक्ति भगत सिंह की रोल में आ गया, तो संसद पे हमला होगा, और हमारी हमला बम से नहीं, बारूद से नहीं, वोटों से होगी। अगर ऐसा वोट का चोट लगेगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जिस घमंड में और जिस गति पे बैठने के बाद छात्र पे शोषण कर रहा है, उसका जवाब हम लोग उसको जरूर देश में देंगे। इसकी जनसंख्या इतना ही नहीं है, पूरे भारत में 25,000 युवा है, और 25,000 युवा में कम से कम एक फैमिली नहीं, 5 फैमिली तो जरूर होता है, उनका वोट का भविष्य हम लोग 2019 में करेंगे। क्या साथियों करने के लिए तैयार है? अगर जो सरकार हमारी बातों को मान जाती है, हम लोग सरकार के हित में और सरकार से प्रार्थना करके उन्हें भी फिर 2019 में मदद करने का काम करेंगे ना। अगर जो हमारी बातों को नहीं सुनेंगे, क्या करेंगे हम लोग? उनका पुन जोर हर क्षेत्र में उनका विरोध भी करेंगे ना भाइयों। तो यह सरकार को मैं बता देना चाहता हूँ, आप अपनी सरकार की गति पे बैठना चाहते हैं तो हम युवा मर्ग से कम ना टकराए, टकराना है तो टकराइएगा, तो उसका समझा आपको ही भुगतना पड़ेगा। साथियों अब हमारे कुछ साथीगण बताएंगे कुछ बात, आप ही हमारे मददगार हो इस समय, आप ही हमें न्याय दिला सकते हैं। मैं और मीडिया से प्रयत्न करना चाहता हूँ कि आप हमारे संघर्ष करने में साथ दिए, हमारे साथ खड़े रहे। चंदन पासवान जी ने बताया कि जो कुछ बताया उन्होंने वो उनकी हकीकत है, सारे बच्चों पे इतना हकीकत गुजर रहा है, परेशानी हो रही है सबके ऊपर, अपने माँ बाप का भार है, बहनों का भार है, शादियों का भार है। ये भार उठाने के लिए नौकरी बहुत जरूरी है दोस्तों हमारे लिए, हम इसीलिए बहुत मेहनत से आपको समझाना चाहते हैं, कुछ भी बोलना चाहते हैं कि हमारी बात सुने। यदि बात नहीं सुनते हो, जो भी कुछ होता है उसका काम है सिर्फ बीजेपी सरकार और माननीय रेल मंत्री AK मित्तल और माननीय प्रधानमंत्री, यही आपको बता सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं जो भी कुछ होगा तो बराबर। कितने भाई लोग हमारे विजय भाई लोग, मैं गुजरात से सुमित सिंह, मैं गुजरात नरेंद्र मोदी के जिले से दाहोद से सुमित सिंह बोल रहा हूँ। मीडिया भाई लोग, हमारा वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी साहेब है, आ ऐलान करियो तो कि स्किल इंडिया ने तहत तुम्हें रोजगार मरते, पर नरेंद्र मोदी साहब हमें विश्वास ना होता कि तुम्हें हमारे साथ दो नीति भी राजनीति कर सो। हमारा वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने हमारा सांसद जसवंत सिंह बाबर साहब तुमने खबर से तुम्हारा एरिया तुम्हारा जिला ना 50,000 छोकरा अहिया जंतर मंतर पर बहना छे,
મારા ગાંધીનાથ સાહેબ ઓર નરેન્દ્ર મોદી વડાપ્રધાન મારા વડાપ્રધાન થી પ્રાર્થના છે હું તમારા જિલ્લા દાહોદ થી ગુજરાત રાજથી આવેલો છું વડાપ્રધાન સાહેબ હંમેશા તમારાથી હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરીએ છે અને આ ઘટના પર મૂકીને પગ મૂકીને તમારા જોડે પ્રાર્થના કરીએ છે કે દાહોદ જિલ્લાની માન સન્માન ઓર અને એકતાની તમે લાજ રાખશો અમારી પ્રાર્થના તમારે ત્યાં પહોંચે છે મારા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજી અમારા તમારે ઉપર ઘણો વિશ્વાસ છે અમારા સાંસદ સભ્ય શ્રી જસવંતસિંહ બાબર સાહેબ અમે તમે કેટલી વાર પ્રાર્થના કર્યું અમારી પાત્રને એવોઈ ધન કરો મારા વડા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી તમે અમે ઓળખ હોઈએ કે અમે તમારા કેટલી વાર તમારે પાસે ગયા છે અમે લોકો પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે અમારા આપરેટિસ ભાઈઓ જે પૂરા ગુજરાતમાં 25,000 છે એની લાશ તમે રાખી લો ગુજરાતની લાશ તમે રાખી લો કે આવતા સમયમાં આ ગુજરાતની બીજેપી સરકાર ધપત થઈ જશે કઈ બી હવે છોડતે નથી આ યુવા મિત્ર છે આ યુવા મિત્ર છે મોદી સાહેબ કે અમર પટેલે તમે બતાડી દીધું કે કેટલું અમારું સાહસ છે અત્યારે હું બતાડી દઉં લોકસભા ચુનાવમાં તમે આ તમે સાફ કરી દઈ તમે લોકો અમારું તાકાત છે એક ટપરાટી જશો સેદા જિંદાબાદ એક ટપરાટી જશો સેદા જિંદાબાદ એક ટપરાટી જશો સેદા જિંદાબાદ નોકરી જોઈએ નોકરી જોઈએ